स्वागत है एक और बार आपका माइनक्राफ्ट के वीडियो में। एक ऐसा दुनिया जहां पर हम अकेले नहीं हैं। आज हम लोग जाएंगे विलेजर्स को ढूंढने के लिए। उससे पहले ना मेरे को कुछ चीजें पता चली है, जैसे कि एक भाई ने मेरे को कमेंट बताया था कि वो जो तीन वहां पर वो डंडियां है ना, वो एक्चुअली वो शिपरेक्ड है, तो वहां पर मेरे को चीजें मिल सकती है चेस्ट वगैरह में। और मेरे को ना जाने टाइम, मतलब विलेजर्स को ढूंढने से जाने से पहले मुझे अपना खेत ठीक कर लेना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है मेरे को, खाना वाना कुछ नहीं है। तो मैं अपने खेत को ना थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। इसको ना यहाँ पर से अगर काटे तो लंबा अच्छा बन जाएगा। एक क्राफ्टिंग टेबल ना अपने साथ रखना चाहिए मेरे को हर समय। वैसे शाम हो रही है भाई, दिन में बुलाना था सबको भाई, दिन में वीडियो स्टार्ट करनी थी, शाम हो रही है बताओ। ये हो गया दिन, देखो इधर सन है, लेट्स गो। मेरे को बार बार भूल जाता हूँ भाई, क्राफ्टिंग टेबल एक और बना लेता हूँ ना, एक और बना लेता हूँ। चलो एक क्राफ्टिंग टेबल घर पर रहना जरूरी है, पता नहीं क्यों बट रहना जरूरी है। अरे अपने पड़ोसी तो हम लोग मिले ही नहीं। हेलो, घर पे नहीं है या सो रहे होंगे, आज अभी सो रहे होंगे, सुबह सुबह हुआ ना, अभी उठे नहीं होंगे, सो रहे होंगे। चलो परेशान नहीं करते सोते हुए लोगों को, मैं जाते हैं फटाक से। हम पहले उस शिपरेट को चेक कर लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम हाँ उसके बाद उस तरफ जाएंगे, थोड़े से पेड़ काट के लाएंगे। एक्चुअली वो भी तो लकड़ियाँ ही है ना। हाँ लेट्स गो। हेलो गाइस, आई एम अंडर द वाटर, यार सो मच रेनिंग। ये पहुंच गए हम, इसको काटे। ए लकड़ी मिल गई, थोड़ा सा और काटते हैं। ओके चलो, मेरा वो काम हो गया, अभी मैं नीचे। अच्छा ये वो तीन डंडी, अच्छा मैं समझा भाई, यहाँ पर तो बवाल मचे। अरे नहीं यार मर जाऊंगा, वेट मेरी हेल्थ बहुत कम है, तो मैं पिल जाऊंगा यहाँ पे, रुको एक सेकंड रुक जाओ। उससे पहले, मरने से पहले अपन कुछ चीजें कर लेते हैं, जैसे कि लकड़ी। हाँ ये लकड़ी चाहिए अपने को, ये भी चाहिए अपने को लकड़ी। हाँ अभी क्या चाहिए था यार, जब तक ये कर रहा हूँ ना मैं, तब तक खेती वेती होती रहनी चाहिए यार। मैं क्या कहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता कौन चीज़ पहले करनी कौन चीज़ बाद में करनी है। हाँ पहले वो कर लेते हैं यार, पहले खेत का लगा के आ जाते हैं। लकड़ी है हमारे पास, क्राफ्टिंग टेबल भी है, क्राफ्टिंग टेबल लगाओ एक। अरे ये नहीं, ये क्राफ्टिंग टेबल नहीं है कुछ भी। पूरी कुछ हुआ। हेलो सर, कैसे हो तुम, खाओगे? हेलो नहीं, ये नहीं खाएगा, सीधा मुंह घुमा लिया भाई। मोटा भाई कैसा है? मोटा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। मोटा भाई स्ट्रीम नहीं है, वीडियो है, आदत हो गई स्ट्रीम बोलने की। तो भाई मोटा भाई मिलते हैं आपसे फिर। ए उसका भी कुछ नाम रखते हैं ना, फिलहाल के लिए तो कछुआ चलते रहे, नाम याद नहीं आ रहा कुछ, अभी मन में आ नहीं रहा है सर नाम। यार मैं एक तो भूख लगी है ना, मैं स्पीड नहीं दौड़ पाता। अरे आ गई मधुमक्खी। हेलो मधुमक्खी। अरे दो एक तीन तीन तीन। हाय गाइस, हेलो, नैन मटक्का चल रहा उधर, छोटे छोटे, अच्छे छोटे बच्चे ही है। क्या हुआ यार, इनका नाम मेरे को पता करना होगा एक्चुअली में क्या सीन है, मेरे को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखो घर के पास खेत बनाने के लिए तो हमारे पास फिलहाल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बकेट नहीं है। बकेट होता हमारा तो काम बन जाता। एक सेकंड, शिपरेक में आयरन मिलेगा ऐसा शायद बोला था मुझे यार, ये समझ नहीं आता पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सिंबल आना चाहिए पता है, इनसे मोबाइल गेम्स में आता है। आई थिंक ये वाले हो गए, एक तोड़ के देखूंगा। डर भी है तो लगता है ना कि ना हुआ तो। इसको हटा देता हूँ भाई, हाथ से तोड़ूंगा, पता नहीं कुछ कांड हो जाए यार। नहीं तो अभी मेरे को इस वाले एरिया को काटना है, मेरा फावड़ा कहाँ है, हटाओ भैंस की, हटाओ इसे। ओके अब इस वाले एरिया पर भी डाल देते हैं, यहाँ पर ना डर्ट लगाते हैं, डर्ट लगाते हैं, हाँ डर्ट ही लगाएंगे ना। ओके अभी फावड़ा मारो वहाँ पे। व्हाट द हेल, वो क्या है? मेरे को ना ये एरिया भी चाहिए, सब सारा सब कुछ चाहिए मेरे को। दो हटो, काटो इसको भाई, फावड़े में तो दम है भाई, खतरनाक खुदाई होती है इससे। ओके ओके, अरे ये तो काफ़ी बढ़िया हो गया, इधर भी वाटर है अगर तो पूरा काट दो तो ये वाटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ए वो वाले अब लग रहे हैं कि वाइट हो गए हैं, वो वाले तोड़ू क्या यार, समझ नहीं आ रहा, रुको। ओके अभी हम लोग इसको सजा देते हैं अच्छे से, ये वाला तोड़ेंगे हम यहाँ तक। यप ऊपर भाई, ये सनलाइट नहीं देगा ना, इसको हटाओ, ये एक्चुअली सनलाइट नहीं आने देगा यहाँ पे, अब मेरे को समझ आ रहा है यार। माइनक्राफ्ट मेहनत का काम है भाई, खाना का टेंशन ना हो ना, ये भोजन सामग्री हमारी ठीक हो जाए, रेडी हो जाए, उसके बाद फिर हम आराम से मस्त एकदम जा सकते हैं अंडरग्राउंड। ओए ये कौन है? हैं हेलो सर, आप कौन? अरे भाई हाँ मैं कर रहा, भूतनी कौन है तू? अच्छा ये एमरल्ड से चीजें देता है,
नहीं कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए। क्या रखते हो आप? हाँ हाँ मत करो, पहले बताओ क्या रखते हो आप। अबे एमरल्ड ये कहाँ से मिलेंगे मेरे को एमरल्ड? तो उससे चीजें फिर ये देगा। ओके और तेरे पास दो घोड़े है वो देगा? नहीं नहीं देगा बोल रहा। हाय गाइस, देखो कुछ नहीं चाहिए आप, अब जा सकते हो फिलहाल के लिए आप। अबे क्या मरने जा रहा है क्या, सुसाइड करने जा रहा है पानी में? देखो मोटा भाई कोई नए लोग आए हमारे यहाँ। ओए अरे गधा भाई, गधा है क्या एक नंबर का भाई, फंस गया। अरे नूड़े भाई ये जा नहीं पा रहा, ये बेचारा अटका हुआ। अरे इधर इधर सर, आपका एक घोड़ा अटक गया इधर। घोड़ा भाई क्या है, तो कौन सा प्राणी है? अरे चाचा नहीं चाहिए, कुछ जाओ ना यार, खेती करने दो मेरे को, परेशान ना करो। चाचा इधर इधर जाओ, जाओ यहाँ से जाओ, समझे क्या? नहीं समझा बोल रहा भाई, मैं विलेजर ढूंढने वाला था, ये तो मेरे यहाँ ही आ गया, ये ट्रेडर पता नहीं अजीब तरीके का प्राणी। भाई फ्री का देगा? नहीं देगा तो निकल यहाँ से। हाँ किए जा रहा तब से। अब मेरे को लगता है ना किधर के रेडी हो गए होंगे। एक ब्रेड तो मेरा बन जाए यार, समझ नहीं आ रहा तोड़ू के नहीं तोड़ू। पीले तो हो गए हैं, आगे तोड़ सकते हैं हम। देखो ये दोनों ऐसे लग रहे, अगर मैं इसको तो मिला, इसको भी तोड़ने से मिलेगा इसका मतलब। लेट्स गो, फाइनली हम ब्रेड बना सकते हैं। भोजन सामग्री दिखाओ भाई। ये बॉय मेरा पहला ब्रेड, अरे मेरा पहला ब्रेड, 3-4-10 दिन से मैं भूखा हूँ, ये पहला ब्रेड मैं खाऊं। 3 फुल हुए मेरे। ओके मैं दौड़ सकता हूँ? नहीं। मोटा भाई इधर नहीं आने का, मोटा भाई खेती वेती होगी इधर, ठीक है परेशान नहीं करने का। यार तुम तो फंस गए, तुम हो गए ट्रैप्ड, अब तुम हो गए एनएस गेमिंग की दुनिया में ट्रैप्ड, ठीक है तुम यहीं पे रहोगे सारा दिन। भाई हट जाओ, एक खावड़ा तुम्हें लग जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको ना तोड़ते हैं। ओ हेलो गधों, अबे जाओ यहाँ से, तुम ये क्या कर रहे हो मेरे खेत पे चढ़ रहे हो? गाली वाली सुनेंगे, जाना भाई यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मेरे को तेरे से, मैं जा रहा सोने। अरे व्हाट द हेल, ये गायब हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को सोने के लिए जाना है इसलिए मैं जल्दी में, वरना मैं देखता असल में उसने किया क्या। अरे तुम्हारा मालिक गायब हो गया गधों। फिर आ रहा है नीचे मेरा अकेलापन दूर करने। भाई जाना यहाँ से, सही बता रहा हूँ, इनके चढ़ने से टूट नहीं रही है इसलिए मेरा गुस्सा अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर इनके चढ़ने से टूट जाए ना मेरे एक। बेटे ऐसी तमाच मारूंगा ना खींच के जाकर उधर, तुम पानी में उल्टेगा। हटो हटो जल्दी वहां से हटो। हाय कछुए कैसा है, पानी बराबर मिल रहा है तो? अरे व्हाट द हेल, अरे डोर से ये। ओके तो ध्यान रखना होगा अपनी सांस पे। ओके भाई ऐसी शिप मैं ऐसे बना नहीं सकता क्या? मेरी भी डूब जाएगी, मेरी बनाते बनाते डूब जाएगी, मेरी डूबी हुई बनेगी। अगर इसके अंदर जाना है। शिट क्रीपर दूर है ना तो भी खतरनाक है, कल को बेटा सामने आ गया तो दिक्कत देगा। ए भाई हट साड़े, ये अभी भी यहीं पर है। ओ बाहर से ऐसा दिखता है, तोप लगाते हैं ना यहाँ पे। यार मेरे को ना ऐसे पायरेट वायरेट वाली स्ट्रिपिंग विपिंग बड़ी मस्त लगती है। यार मेरे को अभी नहीं मिल रही है, मेरे ना हेल्थ वगैरह बहुत कम है, ब्रेड वगैरह मेरे पास बहुत कम है। हाय मोटा भाई, मोटा भाई मैं मरने वाला हूँ मोटा भाई आज। ए व्हाट द हेल, ये क्या है? व्हाट जल परा? एस नहीं एक्स बनानी है अपने को, ढेर सारी लकड़ी चाहिए। अब आया भाई, तब से आ ही नहीं रहा था ये समहाओ। ओके तो हमने टॉर्चेस लगा दी अपने घर पे और इतने सारे टॉर्चेस बाहर लगा दिए ताकि कोई भी तरीके का ये ना हो, जॉम्बी वॉम्बी हमारा प्रूफ रहे घर, नाइट प्रूफ रहे। बाय द वे मेरे को ये दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं ये लगा रहा था तब मेरा फेस कैम चला गया था, बट कोई बात नहीं। हमने खेत को इतना बड़ा कर लिया है और हम केव में गए थे थोड़ा सा कोल लेकर गए थे, दैट्स इट। और हमने कुछ नहीं करा केव में, टेंशन ना लो, वहाँ पर भी कैमरा हमारा बंद हो गया था। और मैंने ये चेस्ट बनाया जिसमें मैंने चीज़ें अपनी रख दी। बाय द वे 4 ब्रेड है फाइनली मेरे पास, 4 ब्रेड। पिछले पार्ट से इस पार्ट में हमने थोड़ा सा तो प्रोग्रेस जरूर करा है, ठीक है, और अगले पार्ट में थोड़ा और करेंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा होते होते बहुत सारा प्रोग्रेस हमारे एंड में हो जाएगा हमारे इस सीरीज के। और अगर तुमने स्टार्टिंग के पार्ट नहीं देखे ना तो वो जरूर देखना, और आने वाले पार्ट्स में भी जरूर रहना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के पार्ट में अगर तुमने मेरे को घर बनाते देखा है ना
और तुम अगर एंड के मेरे को कुछ एडवांस चीजें करते देखोगे माइनक्राफ्ट में सर्वर में भी मेरे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने वो जर्नी एक्चुअली खुद किया, हम लोग साथ में हम लोग किए, तुम्हें ऐसा फील होगा। अगले वीडियो में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।